पहली बात, ओरेकल के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं? पहला बेसिक सा डाउट, क्या क्या आना चाहिए कंप्यूटर्स में अगर आप ओरेकल सीख। ओरेकल के लिए ऐसा कुछ रिक्विजिट नहीं है, है ना? एज अ बिगिनर यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट लर्निंग ओरेकल, बट इट वुड बी बेटर अगर आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज हो। क्यों? क्योंकि इसमें भी डेटा टाइप्स होती हैं, इसमें भी वेरिएबल्स होते हैं, तो जब आप पढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, बट यस, आपको प्रोग्रामिंग जिस पता हो, मे बी सी पता हो, सी प्लस प्लस पता हो, कुछ भी पता हो, और इतना कि आप दो नंबर ऐड करने का कोड उन लैंग्वेज में लिख पाए। ये मानते हुए अपन ओरेकल डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं आपको पहले ही दिन बता दूं, ओरेकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, है ना? आज हमारा डिस्कशन इसी पे होगा, ओरेकल अपने आप में क्या है, क्यों ओरेकल पढ़ते हैं, क्यों एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए बहुत जरूरी है कि वो ओरेकल जैसी टेक्नोलॉजी को सीखे और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करे। तो सबसे पहले सुनिए, ओरेकल अपने आप में क्या है, लिखिएगा मत, मैं सब लिखवा दूंगा। ओरेकल को अगर मैं ऑफिशियली डिफाइन करूं, तो अपन कहते हैं ओरेकल इज एन ODBMS। ये एक लाइन की डेफिनेशन ओरेकल की है। अब सारा फोकस रहेगा इस एक्रोनिम पे जो ओरेकल को डिस्क्राइब कर रहा है। इस एक्रोनिम का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल, बिल्कुल सही, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ओरेकल है, ठीक है? अब इस पूरे एक्रोनिम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर एक एक करके आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको नोट्स दे रहा हूँ। सबसे पहले आप मुझे बताइए, व्हाट इज डेटा इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स? व्हाट इज डेटा? एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज डेटा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम, भोपाल का टेम्परेचर, आपके कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या, कुछ भी उठा लीजिए रियल वर्ल्ड में, दैट इज डेटा। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज डेटाबेस? डेटा माने एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। जहां पे भी हम रिलेटेड डेटा को रखते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डेटाबेस। गौर करिएगा, मैंने एक वर्ड पे बहुत प्रेशर दिया, रिलेटेड डेटा, वरना नॉर्मली स्टूडेंट्स इंटरव्यू में बोलकर आते हैं अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इट्स नॉट ओनली अ कलेक्शन ऑफ डेटा, इट कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ये बात का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। ये बताइए, सचिन कपूर, ये मेरा नाम है, राइट? 36 ईयर्स, ये मेरी एज है। ट्रेनर, ये मेरा प्रोफेशन है। इन तीनों में कोई रिलेशन है? हाँ, ये जिसका नाम है, ये उसकी एज है, ये उसका प्रोफेशन है। दिस इज कॉल्ड रिलेटेड डेटा। अब मैं अनरिलेटेड डेटा आपको दिखाता हूँ। सचिन हटा दीजिए, करीना लगा दीजिए, डेटा तो ये भी है, करीना कपूर, लेकिन करीना कपूर और ट्रेनर, दीज टू थिंग्स आर नॉट रिलेटेड। ना वो पढ़ा पाएगी, और वो पढ़ाएगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, है ना? तो करीना कपूर किसी भी एंगल से रिलेटेड डेटा नहीं हुआ, ऑल्दो इट इज अ डेटा। तो जब भी हम कनेक्टेड इंफॉर्मेशन को रिलेट कर पाए और उस इंफॉर्मेशन को हम एक रखें कहीं पे, स्टोर करें कहीं पे, ये रिलेटेड डेटा का कलेक्शन अपने आप में कहलाता है डेटाबेस। अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड डेटाबेस इज योर फोन बुक। आपकी फोन बुक एक बेहतरीन एग्जाम्पल है डेटाबेस का। रीजन बीइंग, उसके अंदर नाम होता है, फोन नंबर होता है, मे बी आपने कोई रिंगटोन सेट करी होती है, मे बी आपने कोई पिक सेट करी होती है। ये चारों चीजें कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस। बताइए रियल वर्ल्ड डेटाबेस। आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में मेंटेन होने वाला रजिस्टर, दैट इज ऑल्सो अ डेटाबेस। बुक का नाम, किसको इशू हुई, कब इशू हुई, कब रिटर्न होगी, ये पूरी डिटेल्स जिस रजिस्टर में मेंटेन होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस। तो जब जब आपको डेटा का कलेक्शन दिखे, जहां जहां वो कलेक्शन रिलेटेड डेटा का कलेक्शन हो, अपन मानते हैं इट्स कॉल्ड एज डेटाबेस। हमारा इंक्वायरी रजिस्टर भी डेटाबेस है,
आप जब कोर्स के इंक्वायरी के लिए आते हैं तो एक रजिस्टर आपको दिया जाता है जिसमें आप कुछ कॉलम्स फिल करते हैं, आपका नाम, द कोर्स यू आर इंटरेस्टेड इन, कब आप चाहते हैं वो कोर्स, क्या टाइमिंग है, किससे पढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीजें अपने आप में कहलाती हैं डेटा बेस। ठीक है, अब आता एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म विच इज कॉल्ड रिलेशनल डेटा बेस। फिर आता हूं मैं आपके पास डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। ओके, क्योंकि मैंने आपसे कहा ओरैकल इज अ रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, बल्कि पहले मैं आपको मैनेजमेंट सिस्टम बताता हूँ फिर आता हूँ इस डेटा रिलेशनल पे। आप सबने सी पढ़ी है, बेसिक्स पढ़े हैं। सी में एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, एरे में डेटा डालते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं, तो एरे में डेटा सर्वाइव करता है, रहता है। द मोमेंट योर प्रोग्राम इज फिनिश्ड द डेटा इज लॉस्ट, के एरे में डेटा तो भी रहता है, खत्म हो जाता है। आपके प्रोग्राम का डेटा सिर्फ तभी तक आपके पास रहता है जब तक प्रोग्राम रन हो रहा है। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फिनिशेस, द डेटा इज लॉस्ट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कुछ ऐसा कर सकते हो कि ये डेटा प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी लॉस्ट ना हो, तो आप मुझे बोल सकते हैं डेटा को सेकेंडरी मेमोरी पे डालना पड़ेगा। और एक प्रोग्रामर को सेकेंडरी मेमोरी पे अगर कुछ रखना तो लैंग्वेजेस एक ही तरीका देती हैं, एंड दैट इज कॉल्ड हैंडलिंग। वाया फाइल हैंडलिंग आप डेटा को हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइल हैंडलिंग पे मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा, अगर फाइल हैंडलिंग नहीं आती है आप एरे समझकर मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक है, सी में मेरे पास एक फाइल है या एक एरे है, मुझे उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है। सी में कोई फंक्शन है जो मुझे एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढ के दे दे, या मुझे अपना लॉजिक लिखना पड़ेगा? मुझे अपना लॉजिक लिखना पड़ेगा। मेरे पास एक एरे है, मुझे उसको उल्टा पढ़ना है, कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कोई फंक्शन देती है एरे को उल्टा कर दे? अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। यानी सी में डेटा पे काम तो होता है, बट उस काम को करने का हर लॉजिक प्रोग्रामर को सेल्फ सोचना पड़ता है, खुद का दिमाग लगाकर चीजें करनी पड़ती हैं। अगर आप चाहते हैं आपको ये लॉजिक्स प्लान ना करने पड़े, आप एक कमांड डालें और डेटा रिवर्स हो जाए, आप कमांड डालें और आपको मैक्सिमम मिल जाए, तो फिर आप एक ऐसे सॉफ्टवेयर की मदद लेंगे जो आपको इस डेटा को मेंटेन करने में, इस पे प्रोसेसिंग करने में मदद करेगा। और गौर करिएगा, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस की दुनिया में होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी डेटाबेस होता है रिलेटेड डेटा का कलेक्शन। अब इस रिलेटेड डेटा के ऊपर अगर आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए, तो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आप जिस सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं, दैट सॉफ्टवेयर इज बेसिकली कॉल्ड एज डीबीएमएस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि सर इसका मतलब मेरे मोबाइल फोन में वो जो कॉन्टैक्ट वाली ऐप है जिसको यूज करके मैं नाम, नंबर, रिंगटोन सेट कर पाता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ वो एक तरीके का डीबीएमएस है? हाँ, हालांकि ट्रू सेंस में वो डीबीएमएस नहीं है, वो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कर रहे हैं। बट अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को साइड कर दें, अगर मैं मानूं मुझे कुछ ऐसा इंटरफेस मिल रहा है जिसमें मैं डेटा डालूंगा तो डेटाबेस में चला जाएगा, उसमें कुछ कमांड लिखूंगा तो डेटा निकल कर आ जाएगा, वो सॉफ्टवेयर अपने आप में कहलाता है DBMS। यानी DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो बनाया ही इसलिए गया है कि मेरे और आपके जैसे प्रोग्रामर्स इस सॉफ्टवेयर की मदद से डेटा स्टोर कर पाए, डेटा रिट्रीव पाए, ना सिर्फ स्टोर और रिट्रीव कर पाए, उस पर तरह तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए, जैसे सर्चिंग करनी है, जैसे अपडेट करना है, डिलीट करना है, रिवर्स करना है, सॉर्ट करना है, कुछ भी करना है। इन सब कामों को करने के आपको लॉजिक्स नहीं बनाने, आपको इनके लिए कोड्स नहीं लिखने, आपको सिर्फ इनके लिए कमांड्स पढ़ने हैं। जो सॉफ्टवेयर आपको ये कमांड्स लिखने की फैसिलिटी देता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है इन द वर्ल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आप सबने शायद सुना होगा, अपार्ट फ्रॉम ओरेकल देयर इज अनदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्ड एज MySQL, देयर इज अनदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्ड एज SQL सर्वर, देयर इज अनदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्ड DB2, PLSQL अलग चीज है, कॉल्ड DB2, ये सब के सब अपने आप में कहलाते हैं डीबी। सो DBMS आर दोज सॉफ्टवेयर्स जिन्हें यूज करके वी कैन वर्क विद डेटाबेसेस। डेटाबेसेस आर स्टोरेज जहां पर हम रिलेटेड डेटा को रख सकते हैं, हम कनेक्टेड डेटा की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अब अगला वर्ड, व्हाट इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, DBMS का एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं, DBMS का नहीं बट DBMS समझने का। मुझे अपने कंप्यूटर में एक सर्कल ड्रॉ करना है, कैसे करूं बताइए। ये आपके सामने एक कंप्यूटर है, मैं चाहता हूं अपन इस कंप्यूटर में एक सर्कल ड्रॉ करें। आप मानते हो इसको करने के दो तरीके हैं, एक बेवकूफी वाला और एक समझदारी वाला। बेवकूफी वाला तरीका, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया जाए जिसको रन करके सर्कल ड्रॉ करें।
समझदारी वाला तरीका, यहाँ पेंट नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, आप उसे यूज कर लीजिए, सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, एक सेकंड में सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज पेंट? एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर यूज फॉर डिजाइनिंग ग्राफिक्स। तो जैसे पेंट ग्राफिक्स के लिए दिया गया सॉफ्टवेयर है, ऐसे डीबीएमएस डेटाबेस पे काम करने के लिए दिया गया सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको यूज करके आप अंडरलाइन डेटाबेस पे तरह तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो फर्क समझिएगा, डेटाबेस और डीबीएमएस अलग अलग चीजें हैं। लोग ओरैकल को डेटाबेस डेटाबेस बुलाते हैं, ओरैकल डेटाबेस नहीं है, ओरैकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस तो वो लोकेशन है जहां पर ये डेटा डिस्क पे जाकर सेव हो रहा है, तो जहां डेटा रखा है वो डेटाबेस, इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करे जाएं तो जिसके थ्रू करे जाएं दे आर डीबीएमएस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब आता है अगला बहुत जरूरी टर्म जो आपको सीखना है, मीनिंग ऑफ द वर्ड रिलेशनल। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, ध्यान देना। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें स्टूडेंट्स का रोल नंबर है और नाम है किसी स्कूल या कॉलेज के। रोल नंबर है 1 2 3 4 5, नाम है अमित, विजय, सुमित, अरुण, प्रशांत, ये 5 नाम है। आई हैव अनदर लिस्ट दैट कंटेन्स रोल नंबर एंड परसेंटेज। रियल वर्ल्ड में लिस्ट ही है ना, राइट, है ना? सो 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, 75%, 36%, 48%, 72%, 54%। मैं आपसे बोलता हूं मुझे उन स्टूडेंट्स के नाम बता दीजिए जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन स्कोर की है। बता पाएंगे आप? मैनुअली, बिल्कुल, एक इंसान के तौर पे, एक प्रोग्रामर के तौर पे नहीं। कैन यू टेल मी नेम्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड फर्स्ट डिवीजन? आप बोलेंगे हाँ सर बता सकते हैं। मैं इस वाली लिस्ट, लेट्स कॉल इट लिस्ट 2, लेट्स कॉल इट लिस्ट 1। आप मुझे बोलेंगे सर मैं लिस्ट 2 में जाऊंगा, परसेंटेज देखूंगा, अगर परसेंटेज 60 से अबव है तो रोल नंबर उठाऊंगा, इस रोल नंबर को इस लिस्ट में ढूंढूंगा और उसके आगे लिखा हुआ नाम पिक कर लूंगा। ये जो आप मैनुअली कर रहे हैं ना, अगर ये काम एक डीबीएमएस करने में आपकी मदद करे तो हम बोलते हैं दैट डीबीएमएस इज कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलता है कि दो अलग अलग डेटा सेट्स के, ये डेटा सेट कहलाता है, राइट? और इन द वर्ल्ड ऑफ डीबीएमएस इसे डेटा सेट ना बुलाकर हम टेबल बुलाते हैं, वी कॉल दिस एज अ टेबल। तो आरडीबीएमएस ये बोलता है कि अगर आपके पास दो अलग अलग टेबल्स हैं और इन दो अलग अलग टेबल्स को मैं ज्वाइन कर पाऊं टू एक्सट्रैक्ट सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, तो जो डीबीएमएस मुझे इन्हें ज्वाइन करने की फैसिलिटी दे वो डीबीएमएस इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग अपने आप में कहलाता है आरडीबीएमएस। सो डीबीएमएस डेटा स्टोर कर लेगा, डेटा प्रोसेस कर लेगा, आरडीबीएमएस उसे एक कदम आगे जाकर अलग अलग डेटा सेट्स या टेबल्स को ज्वाइन करके कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आपको दे सकता है। एंड ओरेकल इज वन सच डीबीएमएस व्हिच हैज द पावर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे ही गेस किए, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करता हूं मैं अपने सवाल को। मेरे पास एक और लिस्ट है, लिस्ट 3, अनदर टेबल, जिसके अंदर रोल नंबर है, जिसके अंदर सिटी का नाम है। रोल नंबर 1 भोपाल, रोल नंबर 2 इंदौर, रोल नंबर 3 दिल्ली, रोल नंबर 4 भोपाल, रोल नंबर 5 ग्वालियर। क्या समझ में आ रहा होगा ये कौन सा स्टूडेंट कौन सी सिटी को बिलोंग करता है, कौन से स्टूडेंट ने कितने परसेंटेज स्कोर करी, किस स्टूडेंट का क्या नाम है? मुझे उन स्टूडेंट्स के नाम बताइए जो भोपाल में रहते हैं और 60% से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर ऐसे में अब मुझे इन तीनों टेबल को करना पड़ेगा ज्वाइन, परसेंटेज निकाल कर पता चलेगा परसेंटेज 60 से अबव है कि नहीं, रोल नंबर को यहां ले जाऊंगा तो पता चलेगा बंदे की सिटी भोपाल है कि नहीं, और अगर ये सेटिस्फाइड है तो फिर यहां से मैं पिक कर लूंगा बंदे का नाम। इस तरीके का काम अगर आप प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं, अगर आप अपने इंस्ट्रक्शंस के थ्रू करते हैं, कमांड्स के थ्रू, ये फैसिलिटी देने वाले सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब आता है अ वेरी वेरी पॉपुलर टर्म, अगर आप प्रोग्रामिंग वर्ल्ड से हैं सुना होगा आपने इसके बारे में। बताइए व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जल्दी फटाफट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉर्मली लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जानते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ड कानों में पड़ता है तो दिमाग में सी प्लस प्लस का नाम आता है, जावा का नाम आता है, पाइथन, सी शार्प, इनके नाम आते हैं। okay? जैसे ये लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करती है, जैसे कि दो चार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के नाम लें, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। आपको जानकर सरप्राइज होगा, ओरेकल इज द ओनली आरडीबीएमएस जो ये सारे कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है। इन ओरेकल यू कैन क्रिएट योर ओन क्लासेस, इन ओरेकल यू कैन अप्लाई पॉलीमॉर्फिज्म, इन ओरेकल यू कैन अप्लाई एनकैप्सुलेशन, यू कैन अप्लाई इनहेरिटेंस, और आपको ये सारी चीजें टेबल के अंदर करने की फैसिलिटी देता है। तो ओरेकल एक ऐसा डीबीएमएस है जो रिलेशनल भी है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स भी हैं। आप कंस्ट्रक्टर जैसी चीजें ओरेकल के अंदर बना सकते हैं, जबकि आप नॉर्मली सोचिए कंस्ट्रक्टर वर्ड ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का दिया हुआ वर्ड है। एक ऐसा फंक्शन जो ऑब्जेक्ट के बनने पर कॉल हो जाए और उसको प्रॉपरली इनिशियलाइज कर दे। ये सारी चीजें आप ओरेकल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ओरेकल इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब आज के बाद कभी भी किसी के सामने बस इतना मत बोलिएगा कि ओरेकल एक डीबीएमएस है या डेटाबेस है, डेटाबेस तो वो है ही नहीं। डीबीएमएस कहकर आप ओरेकल के पोटेंशियल को कम कर रहे हैं। ओरेकल अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत आगे है, मार्केट का 48% के आसपास शेयर, बल्कि अब तो 50 हो गया होगा ओरेकल के पास है। सोचिए इतनी बड़ी दुनिया में डेटाबेसेस हैं, उसका 50% शेयर ओरेकल ने कैप्चर करके रखा है, बाकी में ये ओरेकल के कॉम्पिटिटर्स आते हैं, बाकी शेयर इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जी हाँ, बताता हूँ, आगे बता रहा हूँ आपको क्यों करती है और ओरेकल इतना प्रोफेशनली लोग क्यों नहीं यूज करते। और प्रोफेशनली ऐसा नहीं है कि करते नहीं है, स्टार्टअप्स नहीं करती है, आजकल स्टार्टअप ज्यादा है ना। ओरेकल पेड है, ओरेकल डीबीएमएस, ओरेकल आरडीबीएमएस एक पेड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो अगर मान लीजिए आज मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक वेबसाइट डिजाइन करी, उस वेबसाइट को इंटरनेट पे होस्ट करने के लिए लेकर गया और मैंने अपनी टेबल ओरेकल के अंदर बना रखी है, तो मुझे ओरेकल के लिए बकायदा वहां पे करना पड़ेगा। अगर मैं MySQL यूज करता हूँ तो MySQL एक फ्री डीबीएमएस है, उसके लिए हमें कुछ पे करने की जरूरत नहीं होती। तो आपसे कंपनी MySQL का पैसा नहीं ले सकती। क्यों क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि MySQL सॉफ्टवेयर फ्री है, ओरेकल का लेगी क्योंकि उन्हें ओरेकल के लिए पैसे खर्च करने पड़े हैं, तो वो उसका कॉस्ट आपसे वसूलते हैं। ये PHP खुद अपने आप में एक ओपन सोर्स है और फ्री लैंग्वेज है, MySQL भी फ्री डीबीएमएस है, इसलिए इनका कॉम्बिनेशन बैठता है। ठीक, बाकी पावर में ओरेकल MySQL से कहीं आगे है। MySQL बहुत लाइट वेट सिंपल डीबीएमएस है, ओरेकल बहुत हैवी है, बहुत पावरफुल है। तो पूरे डीबीएमएस मार्केट की किंग है ओरेकल। जैसे लैंग्वेजेस में हम मानते हैं जावा भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, बहुत कुछ जावा के अंदर हम कर सकते हैं, ऐसे ओरेकल के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो C++ भी है, बट जावा C++ से ज्यादा ओरिएंटेड है। ऐसे डीबीएमएस तो MySQL भी, डीबीएमएस बाकी सारे भी हैं, लेकिन एक्चुअल डीबीएमएस के फीचर्स होते हैं, पावर्स होती हैं, वो अगर आपको सीखनी है तो आपको सीखना चाहिए ओरेकल। ओरेकल अपने में बेस्ट आरडीबीएमएस कहलाता है अमंगस्ट ऑल इट्स कॉम्पिटिटर्स, राइट। चलिए तो समझ में आ गया कौन क्या है इसमें, लिखिए फटाफट पहले डेफिनेशन लिखें। ओरेकल इज एन OORDBMS, ओरेकल इज एन OORDBMS, फुल स्टॉप। द अबव एक्रोनिम, the above acronym stands for object oriented relational database management system. The above acronym stands for object oriented relational database management system. Full stop. Following is the description of each of these terms. Following is the description of each of these terms. Number one,
लिखें एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड एज डेटा. फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ अ पर्सन और प्राइस ऑफ मोबाइल और करंट टेम्परेचर इन अ सिटी एटसेट्रा और करंट टेम्परेचर इन अ सिटी एटसेट्रा. सेकेंड डेटाबेस लिखें द वर्ड डेटाबेस The word database means collection of related data. The word database means collection of related data. That is collection of related data. It is if we have we have multiple data elements logically connected to each other, logically connected to each other, then we call it database. Then we call it database. For example, consider the following list. For example, consider the following list which stores roll number and names of the students. Roll number and names of the students. Full stop. This is a database. Utar lijiye. First list. Roll number, name, kuch sample data. अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज बोल रहा हूं वो मार्क कर लीजिए ताकि आपको याद रहे किसको क्या बुलाते हैं. आगे की डेफिनेशन फिर लिखाता हूं. नॉर्मल वर्ल्ड में ये लिस्ट है. इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग इसे हम टेबल भी बुलाते हैं और इसे हम रिलेशन भी बुलाते हैं. इट्स ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन. ठीक है. ऐसे ही ये जो दो आप देख रहे हैं रोल अंडरस्कोर एनओ एंड नेम इनके भी दो नाम है. वी कैन कॉल देम as columns. We also can call them as attributes. Columns or attributes. और ये जो आप देख रहे हैं one Amit, two Vijay, three Sumit, four Arun, five Prashant. This entire thing normal English it is called as row. English ko thoda technical kare it is also called as tuple. Ye technical vocabularies hain. So a database is a collection of attributes. These attributes contain tuples. लिखा. चलिए आगे बढ़िए. ये हो गई बात. अच्छा एक एग्जांपल लिख लीजिए. इन रियल वर्ल्ड अ मोबाइल फोन बुक और
रजिस्टर मेंटेन्ड बाय अ लाइब्रेरियन इन रियल वर्ल्ड, अ मोबाइल स्पून बुक और रजिस्टर मेंटेन्ड बाय अ लाइब्रेरियन आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेटाबेसेस, आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेटाबेसेस, आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेटाबेसेस. अगला लिखिए रिलेशनल डीबीएमएस, रिलेशनल डीबीएमएस, आर डीबीएमएस. लिखें इफ अ डीबीएमएस, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले लिखिए डीबीएमएस, रिलेशनल काट दीजिए, पहले डीबीएमएस लिखिए. लिखें अ डीबीएमएस इज, अ डीबीएमएस इज a software, a software which provides us facility to interact with databases, facility to interact with databases, that is a DBMS helps a programmer, a DBMS helps a programmer to create as well as maintain databases, to create as well as maintain databases. Full stop. It also allows us to perform various operations on a database like insertion of new records, comma, updation or deletion of existing records, sorting, searching, etc. ये DBMS हो गया. अब लिखिए RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. लिखें एन आर डी बी एम एस अलाउज अस टू लॉजिकली कनेक्ट टू और मोर टेबल्स and pull meaningful information from them, and pull meaningful information from them. Full stop. For example, consider this second table. Consider this second table. ये table उतारी है L2, जिसमें roll number और percentage लिखी है. Consider this second table. कुछ भी data डाल दीजिए, बस roll number same रखिएगा. लेकिन now suppose we want to obtain names of those students names of
those students who want, no, who have scored first division. Names of those students who have scored first division. Then manually we will pick roll numbers of students with percentage greater than 60 with percentage greater than equal to 60 from second table. फिर क्या करेंगे, यहां से उठा लिया रोल नंबर और परसेंटेज, फिर इस रोल नंबर को कंपेयर करेंगे उधर वाले रोल नंबर से, अगर यहां परसेंटेज 60 से ज्यादा है और यहां वो रोल नंबर प्रेजेंट है तो ये उस बंदे का नाम हो जाएगा. एंड पिक, क्या लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा आपने, फ्रॉम द सेकेंड टेबल. एंड वी विल सर्च दिस रोल नंबर इन द फर्स्ट टेबल. Full stop. If a match is found, we can pull the student name from first table. ये आपने मैनुअली करा. इस काम को अगर एक DBMS कर दे तो वो बन जाएगा RDBMS. लिखें, इफ द सेम प्रोसेस इज डन प्रोग्रामेटिकली, इफ द सेम प्रोसेस इज डन प्रोग्रामेटिकली, देन द DBMS बिकम्स RDBMS. देन द DBMS बिकम्स R रिलेशनल DBMS. लास्ट लिखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. और एकल की लास्ट खास बात, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. बोलूं, लिखिए, द टर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस, द टर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस अलाउइंग प्रोग्रामर्स To represent things as objects. और हर ऑब्जेक्ट में क्या होता है, दो चीजें. ऑब्जेक्ट क्लास को बिलोंग करता है, मैं तो कह रहा हूं ऑब्जेक्ट में क्या होता है. एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ टू थिंग्स, डेटा एंड फंक्शंस. इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ईच ऑब्जेक्ट contains a set of data. Data क्या करता है, values hold करता है for storing information, and a set of member functions. ये क्या करते हैं, ये उस पर काम करते हैं to operate on those data. स्टॉप. कल सपोर्ट्स दिस स्पीच, दैट इज एवरी रो इन अ टेबल, एवरी रो इन अ टेबल कैन बी एन ऑब्जेक्ट एंड एवरी कॉलम can be its. Full stop. Apart from this, Oracle also supports encapsulation, comma,
मॉर्फिज्म, कॉमा, एब्स्ट्रैक्शन एटसेट्रा, ये है ओरेकल डेफिनेशन। ठीक, चलिए अब आते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री पे। ओरेकल कब बनी, बनाई, आज कौन सा वर्जन लेटेस्ट मार्केट में है और अपन कौन सा वर्जन पढ़ेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री सुनिए, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बनाई किसने, ओरेकल कॉरपोरेशन उस कंपनी का नाम है जो ओरेकल सॉफ्टवेयर बनाती है, यानी दो चीजों का नाम ओरेकल है, जो आप सीख रहे हैं उस कोर्स का नाम ओरेकल है, सॉफ्टवेयर का नाम ओरेकल है, और जो कंपनी से बनाती है उसका नाम है ओरेकल कॉर्प, राइट। ओरेकल कॉर्प वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर लैरी एलिसन, ये ओरेकल के ओनर हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट इज ओन्ड बाय बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट को क्रिएट बिल गेट्स ने करा है, ऐसे ओरेकल के ओनर है मिस्टर लैरी एलिसन, ही इज द पर्सन जिन्होंने इस कंपनी को बनाया। आपको जानकर थोड़ा सा सरप्राइज होगा, द कंपनी वॉज लॉन्च्ड इन 1978 और तब इसका नाम ओरेकल नहीं था, तब इसका नाम था SDL, का फुल फॉर्म था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैबोरेटरी, ये इसका ओरिजिनल नाम था। यानी 78 में ये कंपनी डेटाबेस वगैरह नहीं बनाती थी, ये एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी थी, जैसे आज की तारीख में इंफोसिस, TCS, ये सब है। ठीक, उसके बाद मिस्टर लैरी एलिसन ने एक सेमिनार अटेंड करा, ये सेमिनार IBM के एक बहुत टॉप प्रोफेशनल ने दिया था, जिन्हें हम RDBMS का पितामा बुलाते हैं। अगर आपने DBMS थ्योरेटिकली पढ़ा हो तो आपने CODD कॉड का नाम सुना होगा, कॉड ने कुछ रूल्स दिए थे, जो रूल्स अगर कोई DBMS माने तो वो बन जाता है RDBMS। तो मिस्टर कॉड का एक सेमिनार हुआ था जो मिस्टर लैरी एलिसन ने अटेंड करा था, और ये उस सेमिनार से इतने ज्यादा प्रभावित, इंप्रेस हुए कि इनको लगा मैं नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं बनाऊंगा, मैं RDBMS डिजाइन करूंगा। तो 1979 में इस सेमिनार को अटेंड करने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज करा और कंपनी का नया नाम रखा गया, द कंपनी वॉज रीनेम्ड टू RSI, फुल फॉर्म है इसका रिलेशनल सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन, इस कंपनी का दूसरा नाम पड़ा रिलेशनल सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन, और इसी के आसपास इन्होंने ओरेकल डिजाइन करा, थोड़ा सा बिजनेस माइंड चलाया। ओरेकल का इन्होंने कभी फर्स्ट वर्जन नहीं बनाया था, ओरेकल बनाने के बाद मार्केट में इन्होंने इसके वर्जन 2 को लॉन्च करा। क्यों वर्जन 2 लॉन्च करा, क्योंकि ये दुनिया में थोड़ा सा क्रेज, थोड़ा सा क्यूरोसिटी बढ़ाना चाहते थे। इनका ये मानना था कि अगर किसी का वर्जन 2 आता है तो लोगों को लगता है वर्जन 1 बहुत पॉपुलर हुआ होगा इसलिए वर्जन 2 आया है, जबकि वर्जन 1 कभी इन्होंने बनाया ही नहीं था। तो ओरेकल का जो फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था, दैट वॉज ओरेकल V2, ओरेकल V2 स्टैंड्स फॉर ओरेकल वर्जन 2। दिस फर्स्ट वर्जन वॉज लॉन्च्ड अराउंड 1980। ठीक, उसके बाद ओरेकल का ये वर्जन इतना पॉपुलर हुआ कि 1997 के आते आते कंपनी ने अपना नाम चेंज करके ओरेकल ही रख लिया, कंपनी नेम वॉज मेड ओरेकल कॉर्प। अब तब से लेकर आज तक आप ओरेकल कॉर्प के नाम से उस कंपनी को जानते हैं जो आपके लिए ये ओरेकल नाम का बनाती है RDBMS। करंट लेटेस्ट वर्जन ओरेकल का कौन सा है, वैसे मैं आपको उसके सारे वर्जन बता दूं आपके नॉलेज के लिए। ओरेकल का सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आया था जब ओरेकल का 8i बना था। 8i में आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेट। ओरेकल एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में लेटेस्ट जो कुछ भी हो रहा है वो अपने DBMS में दिखाती जरूर है। तो अगर आपको याद हो तो 90s का जो एरा था वो एरा इंटरनेट का था, हमें इंटरनेट बूम मार्केट में आया था, बहुत जबरदस्त तरीके से इंटरनेट पॉपुलर हुआ था, लोगों ने पहली बार ब्राउजर्स यूज करना सीखा था, वेबसाइट्स बन रही थी। तो वो जो इंटरनेट बूम था उसको हैंडल करने के लिए उन्होंने दो ओरेकल के वर्जन निकाले,
एक ओरैकल 8 आई और एक ओरैकल 9 आई। ओरैकल 9 आई आज तक का ओरैकल का सबसे बड़ा अपडेट था, क्योंकि इसमें ओरैकल ने सबसे ज्यादा नए फीचर्स ऐड करे थे। जैसे आप अगर थोड़ा एंड्रॉइड में इंटरेस्ट रखते हो तो गूगल एंड्रॉइड के वर्जन निकालता है ना। एंड्रॉइड का भी करंट लेटेस्ट ओरियो चल रहा है ना, जो ऑफिशियली अवेलेबल है। वैसे डेवलपर्स के लिए तो पी भी आ गया है, लोग पी पे भी काम कर रहे हैं। बट एंड्रॉइड का जो सबसे बड़ा अपडेट आया था वो तब आया था जब एंड्रॉइड का लॉलीपॉप वर्जन लॉन्च हुआ था, तब गूगल ने सबसे बड़ा चेंज एंड्रॉइड के अंदर करा था। राइट, मुझे इसलिए याद है क्योंकि तब मैंने ओरिएंटल में सेमिनार दिया था उस पर, 2015 के आसपास की बात है। तब उसका लॉलीपॉप वर्जन जो लॉन्च हुआ था वो आज तक का एंड्रॉइड का सबसे बड़ा एनहेंसमेंट था। ऐसे ओरेकल 9 आई, ओरेकल का सबसे बड़ा एनहेंसमेंट था। इसमें ढेर सारे नए नए फीचर्स, 5,000 के आसपास फीचर्स ओरेकल ने इंट्रोड्यूस करे थे। उसके बाद ओरेकल का अगला वर्जन आया जिसका नाम रखा गया ओरेकल 10G। जी स्टैंड्स फॉर ग्रिड कंप्यूटिंग। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज अ ग्रिड? अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज अ नेटवर्क? बताइए व्हाट इज अ नेटवर्क? अ नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस, बी वायरलेस डिवाइसेस, दे बी वायर्ड डिवाइसेस। डिवाइसेस का इंटरकनेक्शन एक नेटवर्क कहलाता है। ओके, नेटवर्क की फैसिलिटी क्या होती है, आई मीन नेटवर्क के फायदे क्या है? नॉर्मल दो फायदे होते हैं। नेटवर्क पे डेटा शेयर हो जाता है, सर्वर पे अगर कुछ रखा है तो क्लाइंट्स एक्सेस कर लेते हैं। नेटवर्क पे रिसोर्सेज शेयर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक प्रिंटर है और 15 कंप्यूटर्स हैं, तो मैं उन 15 को एक नेटवर्क पे लगाऊं और उस नेटवर्क से प्रिंटर को जोड़ दूं तो 15 के 15 उस प्रिंटर को यूज कर पाते हैं। ग्रिड एक इंटेलिजेंट नेटवर्क होता है। ग्रिड में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, बट ये सारे के सारे कंप्यूटर एक ही प्रोग्राम के मल्टीपल पार्ट्स को रन करते हैं। तो जो एक कंप्यूटर होता है वो 10 कंप्यूटर मिलके करते हैं, तो सोचिए उसकी पावर कितनी बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन टाइम कितना रिड्यूस हो जाएगा। दुनिया की नंबर वन यूनिवर्सिटी कौन सी है? MIT, MIT यूनिवर्सिटी दुनिया की नंबर वन यूनिवर्सिटी है। MIT के अंदर एक रिसर्च चल रही है जिसमें कोड लिखा है डेवलपर्स ने, जो कैंसर के सेल्स को कैसे हैंडल करेंगे, कैंसर को कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे क्योर करेंगे, इसको हैंडल करने का कुछ केमिकल रिएक्शन का कोड बनाया। उस कोड को अगर एक कंप्यूटर पे हम चलाते हैं तो 1,000 साल बाद रिजल्ट्स आएंगे। इतना हैवी वो कोड है, इतने उसके अंदर कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो उसको जल्दी करने के लिए इन्होंने 1,000 कंप्यूटर्स का ग्रिड बना दिया, और वो पूरा ग्रिड मिलकर काम कर रहा है जो कैंसर के ऊपर डिटेक्शन का कोड इन साइंटिस्ट ने लिखा है। तो अगर कोई पूछता है एक नेटवर्क और एक ग्रिड में क्या फर्क है, नेटवर्क में हर कंप्यूटर अपना काम करता है, सिर्फ डेटा शेयर होता है। ग्रिड में सारे कंप्यूटर मिलकर ऐसे काम करते हैं जैसे वो एक प्रोसेसर है और वो मिलकर एक प्रोग्राम रन करते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रिड इज मच फास्ट कंपेयर टू परफॉर्मेंस ऑन अ नेटवर्क। और इस तरीके के कंप्यूटर्स के लिए जो बैकएंड सपोर्ट चाहिए होता है, डेटाबेस सपोर्ट चाहिए होता है, वो प्रोवाइड करने का काम ओरेकल 10G करता है। ओरेकल के फिर 10G के बाद अगला वर्जन आया ओरेकल 11G। फिर अगर आपको ध्यान हो तो 2000 क्या मतलब 2011 के आसपास क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना था। खूब क्लाउड कंप्यूटिंग पॉपुलर आज भी है, लेकिन बूम जब उठा था तब उठा था। तो ओरेकल ने अपना आखिरी लेटेस्ट वर्जन जो निकाला 2014 में निकाला, और उन्होंने इस वर्जन का नाम रखा ओरेकल 12C, वेयर सी स्टैंड्स क्लाउड। तो अगर आप क्लाउड पे काम करते हैं, क्लाउड की परफॉर्मेंस या क्लाउड के फीचर्स को यूज करना चाहते हैं, आपका डेटाबेस या DBMS होना चाहिए 12C। इतने एनहांसमेंट आपको ओरेकल के कॉम्पिटिटर्स में कभी नहीं मिलेंगे। जो ओरेकल के कॉम्पिटिटर्स आप देख रहे हैं, इनका कभी क्लाउड वर्जन, इंटरनेट वर्जन, ग्रिड वर्जन नहीं आया। लेकिन ओरेकल एक ऐसी कंपनी है जो करंट मार्केट ट्रेंड को फॉलो करती है, जो मार्केट में हो रहा है ओरेकल उसके लिए अपने DBMS लॉन्च करती है। आज की तारीख में बिग डेटा का बहुत बोलबाला है, बहुत ज्यादा बिग डेटा चल रहा है, हडूप बिग डेटा। ओरेकल ने भी अपना बिग डेटा का सॉफ्टवेयर निकाल दिया है। ओरेकल के भी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बिग डेटा पे काम कर सकते हैं। तो जो कुछ भी मार्केट में है, अगर मार्केट से पकड़ बनाए रखनी है तो मार्केट के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। एंड ओरेकल इज नंबर वन कंपनी इन दैट। दो कामों में ओरेकल बहुत मशहूर है, एक अपने आप को अपग्रेड करने में और दूसरा खरीदने में छोटी छोटी कंपनीज को। ओरेकल ने बहुत स्पेंड करा है ऐसा दुनिया की कई बड़ी कंपनीज को परचेज करने में। सबसे बड़ा एग्जांपल 2010 में ओरेकल ने सन माइक्रोसिस्टम्स को परचेज कर लिया। सन माइक्रोसिस्टम वो कंपनी थी जो जावा डिजाइन करती थी। अब आज जावा ओरेकल का प्रोडक्ट है, जावा के साथ आपको ओरेकल का लोगो मिलेगा, जावा के सर्टिफिकेशन अब ओरेकल के सर्टिफिकेशन बन गए हैं, जावा को पूरी तरह से ओन ओरेकल ने कर लिया है।
और बहुत कम लोग ये जानते हैं, ये जो है ना, जो दुनिया का एक बहुत पॉपुलर डीबीएमएस है, ये भी ओरेकल का डीबीएमएस है। ओरेकल ने इस कंपनी को खरीद लिया है। सो अब MySQL एंड ओरेकल, दे आर वन कंपनी। ओरेकल ने ही MySQL की सब्सिडरी परचेज की है। ओरेकल के अंडर में MySQL का डेवलपमेंट, ओरेकल के ही अंडर में जावा का डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेटाबेसेस में सबसे ज्यादा मार्केट अगर किसी कंपनी के पास है तो इसके पास है, क्योंकि दुनिया में यही दो सबसे ज्यादा पॉपुलर डीबीएमएस है। ये क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये है और लाइट वेट के लिए बड़े अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं। और एकल के पास दोनों है। ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट। एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट। DB2 बिलोंग्स टू IBM, जो एकल के कॉम्पिटिटर्स हैं। तो अब तो ये तो ओरेकल की टीम में आ गया, तो दो ही कॉम्पिटिटर्स बचे, एसक्यूएल सर्वर और DB2। दोनों से कहीं आगे ओरेकल और MySQL का कॉम्बिनेशन है। फाइन, तो आपसे ये है हिस्ट्री। इससे ज्यादा आपसे कोई पूछेगा नहीं। जो हम पढ़ेंगे इस कोर्स में वो पढ़ेंगे ओरेकल 12c के। लेकिन एक अच्छी बात, ओरेकल बैकवर्ड कंपैटिबल है। क्या मतलब की बात का? ओरेकल के नए वर्जन पे अगर आप कुछ लिख रहे हैं और पुराने वर्जन पे आपने कुछ लिखा है तो वो नए वर्जन पे चल जाएगा। नई चीजें तो पुरानी पे चलेंगी नहीं, क्योंकि वो नए कमांड्स हैं, बट पुराने कमांड्स नए पे चल जाएंगे। तो जो चीजें बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं होती हैं, उनमें पुरानी चीजें नए वर्जन पे नहीं चलती। जैसे पाइथन बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है, पाइथन 2 के प्रोग्राम्स पाइथन 3 पे नहीं रन हो सकते। बट अगर आप ओरेकल 10G या ओरेकल 11G पे कुछ कमांड्स या टेबल्स बनाते हैं, यू कैन टेक देम टू ओरेकल 12C। तो अगर आप जी भी 10G से लो वर्जन मत डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप 10G करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नए फीचर्स आएंगे वो अलग से मैं आपको 12C में बता दूंगा। तो कोशिश करिए आप 10G करें, 12C करें। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, 11 बहुत हैवी सॉफ्टवेयर था। 11G अगर करेंगे तो सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा। तो अगर 4GB की रैम है आपके पास तो आपको 10G करना है, और कहीं से नहीं करना है, कहीं से कलेक्ट कर लीजिएगा, यहीं सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए हिस्ट्री, फिर मैं आगे बढ़ूं। तीनों एक्रोनिम समझ में आ रहे हैं? IGC, व्हाट इज आई? आई स्टैंड्स फॉर G फॉर ग्रिड, C फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। और कब लॉन्च हुआ है ओरेकल 12C? जुलाई 2014। इनकॉर्पोरेशन, INC, इनकॉर्पोरेशन। तो ओरेकल के कितने नाम? तीन। सबसे पहला नाम SDL, फिर RSI, फिर ओरेकल कॉर्प। चलें आगे। चलिए, अब आप अगर सी के बैकग्राउंड से हैं तो कुछ बहुत नया आप सुनने जा रहे हैं। जावा के बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए नया कुछ नहीं है। बताइए मार्केट में सी लैंग्वेज के कितने एडिशंस चल रहे हैं, कितने तरह के मार्केट अवेलेबल है। मैं कंपाइलर्स नहीं पूछ रहा हूँ। आप मुझे सर एक है, एक GC है, तो कंपाइलर्स हैं। सी में सिर्फ एक ही वर्जन है, दैट इज सी लैंग्वेज। ऑल दो कंपाइलर्स आर डिफरेंट, है ना? लेकिन अगर आपने जावा पढ़ी हो, आप थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो जावा के तीन एडिशन हैं। हम बोलते हैं कोर, एक बुलाते हैं एडवांस जावा, एक मोबाइल पे यूज होने वाली जावा होती है। और अगर आपसे पूछूं इन तीनों में क्या फर्क है, तो आप बोलोगे सर ये तीन इनकी एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। अगर कोई कोर जावा पढ़ता है तो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाता है, अगर कोई एडवांस जावा पढ़ता है तो वो वेब एप्लीकेशंस बनाता है, अगर कोई J2ME पढ़ता है तो वो मोबाइल एप्लीकेशन बनाता है। हालांकि आज एप्लीकेशन J2ME की जगह पॉपुलरली डेवलप्ड होती है ऑन एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म। तो जैसे जावा के मल्टीपल एडिशंस हैं, बिल्कुल ऐसे ओरेकल एडिशंस, ये जो मैंने आपको बताया ये तो वर्जंस हैं। एक-एक वर्जन के चार चार एडिशंस ओरेकल ने बनाए। आप डिसाइड करिए आपको उसमें से कौन सा एडिशन लोड करना है, कौन से एडिशन पे काम करना है। और हर एडिशन के जो फीचर्स हैं वो दूसरे एडिशन के कंपैरिजन में थोड़े से डिफरेंट हैं। फीचर्स का मतलब ये नहीं कमांड कम ज्यादा है, फीचर का मतलब पावर। कुछ में कुछ पावर है, कुछ में कुछ पावर है, वो अब आपको लिखवाने जा रहा हूं। तो टाइटल डालिए एडिशंस ऑफ ओरेकल।
हो गया, हटाऊं अब तो? चलिए, ओरैकल के एडिशंस एक एक समझते चलिए, लिखते चलिएगा। ओरैकल एक ऐसी कंपनी थी, है भी मतलब, जो कभी कुछ फ्रीवेयर नहीं बनाती थी। ओरैकल का हर प्रोडक्ट पेड रहा, बट आपके जैसे स्टूडेंट्स को, नए टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ओरैकल फर्स्ट कंपनी थी जिसने अपना एक वर्जन ऐसा निकाला जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप ओरैकल सीखना चाहते हैं तो। इस वर्जन का नाम रखा गया है ओरैकल XE। XE स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस एडिशन। तो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बंदा अगर ओरैकल अपने सिस्टम पे डालना चाहता है, बिना पे करे हुए ओरैकल यूज करना चाहता है, तो वो यूज कर सकता है ओरैकल का एक्सप्रेस एडिशन। लिखिए ओरैकल XE। दिस इज फ्री वर्जन ऑफ ओरैकल। दिस इज फ्री वर्जन ऑफ ओरैकल। ऑल्सो नोन एज, दिस इज फ्री वर्जन ऑफ ओरैकल कॉमा, ऑल्सो नोन एज लर्नर्स एडिशन। ऑल्सो नोन एज लर्नर्स एडिशन एंड कैन बी डाउनलोडेड, एंड कैन बी डाउनलोडेड डायरेक्टली फ्रॉम ओरैकल्स वेबसाइट। कैन बी डाउनलोडेड डायरेक्टली फ्रॉम ओरैकल्स वेबसाइट, फुल स्टॉप। ड्रॉबैक क्या है? इट हैज मेमोरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ 4 गीगाबाइट्स। इट हैज मेमोरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ 4 गीगाबाइट्स। समझ रहे हैं इसका मतलब? नहीं समझ रहे हैं क्या मतलब है कहने का? इसमें 4 GB की लिमिट है। आपके सिस्टम में 4 GB रैम होनी चाहिए तो ये चलेगा, इसका ये मतलब नहीं है। मैक्सिमम डेटा जो आप इसके थ्रू रख सकते हैं वो 4 GB से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो सोचिए, कोई बड़ी कंपनी अगर इस सॉफ्टवेयर को यूज करे, उसकी जरूरतें ही पूरी नहीं होगी, उसके पास डेटा इतना ज्यादा होगा कि वो 4 GB से ज्यादा हो जाएगा। जैसे एयरटेल, एयरटेल को अपने सारे कॉल रिकॉर्ड्स रखने हैं, सारे कस्टमर्स का डेटा रखना है, एयरटेल यूज नहीं कर सकती एक्सप्रेस एडिशन, क्योंकि उनकी जरूरत का 10% भी पूरा नहीं कर पाएगा ये। तो ये एक स्टूडेंट के लिए सही है, बट प्रोफेशनल्स या बड़ी कंपनीज, दे डोंट वर्क विद एक्सप्रेस एडिशन। आप इसी को यूज करेंगे क्योंकि ये फ्री वर्जन है, अनपेड है, और आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं यूज। सेकंड लिखिए ओरैकल पर्सनल एडिशन। क्या फर्क होगा बताइए एक्सप्रेस और पर्सनल में? पर्सनल वर्जन है, एक्सप्रेस फ्री वर्जन, बट पर्सनल एक्सप्रेस से ज्यादा है। लिखिए दिस एडिशन ऑफ ओरैकल इज मेड फॉर पर्सनल यूज कॉमा, इज मच पावरफुल देन एक्सप्रेस एडिशन सिंस इट कैन स्टोर मोर देन 4 GB ऑफ डेटा, मोर देन 4 GB गिग्स ऑफ डेटा, बट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। करना पड़ेगा आपको ओरैकल को इसको लेने के लिए। चलिए, ये तो हो गया इंडिविजुअल्स के लिए जो ओरैकल बनाई गई है। अब कंपनीज के लिए जो ओरैकल बनाई गई है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, या आप अपनी कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं और उसमें अगर आपको ओरैकल रखनी है डेटाबेस मेंटेन करने के लिए, तो जो छोटी कंपनीज हैं उनके लिए ओरैकल का आता है SE। SE स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एडिशन। लिखें दिस वर्जन ऑफ ओरैकल इज टारगेटेड टुवर्ड्स स्मॉल स्केल कंपनीज एंड इट कैन स्टोर 250 GB ऑफ डेटा, 250 GB ऑफ डेटा, 250 GB तक का डेटा एसी के अंदर रखा जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओरैकल का फाइनल और सबसे पावरफुल वर्जन जो हम यूज करेंगे क्लास में, दैट इज एंटरप्राइज एडिशन।
Oracle E is the flagship product of Oracle Corporation. This is the flagship product of Oracle Corporation and it is the most powerful Oracle edition available in the market. Most powerful Oracle edition available in the market. आगे लिखें, इट इज टारगेटेड टुवर्ड्स बिग आईटी कंपनीज एंड हैज नो फिजिकल लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन स्टोर ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन स्टोर. ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, हम एक्सई और ईई दोनों को यूज करेंगे. एक्सई फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. डबल ई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसका पेड वर्जन है. मेरे पास डबल ई एक्सई दोनों अवेलेबल हैं, तो मैं आपको एक्सई डबल ई दोनों पे काम कराऊंगा. बहुत बेसिक सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, वो भी पढ़ाते पढ़ाते आपको बता दूंगा. पहला डिफरेंस अभी बता देता हूँ, एक्सई का जो इंटरफेस है वो डॉस बेस्ड है. जब आप इस पे काम करेंगे तो ब्लैक कलर की स्क्रीन देखेंगे जिस पे आप कमांड चलाएंगे. डबल ई का जो इंटरफेस है वो नोटपैड बेस्ड है. जब आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो स्क्रीन आपको ब्लैक कलर की देखकर नोटपैड स्टाइल में व्हाइट कलर की नजर आएगी. एक्सी में आपको अभी दिखाता हूं, ये ओरेकल का एक्सी है. राइट, ये आप एक्सी के अंदर हैं. मान लीजिए मैंने लॉग इन करा, ये एक्स जो आप इस समय ओरेकल का वर्जन देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस दिखेगा, बस ये कलर वाइट होगा. नोटपैड जैसी विंडो आएगी जब आप यूज करेंगे ओरेकल डबल ई. कमांड दोनों में बिल्कुल सेम चलेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सर आप डबल ई पे काम कर रहे हो, मैं डबल ई पे कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो पेड है. ना हो तो आप लैब में यूज, लैब में डबल ई डाला है हमने, और क्लासरूम के अंदर मैं आपको पढ़ाते वक्त एक्सी डबल ई दोनों को पैरेलली यूज करता रहूंगा. प्रैक्टिस दोनों पे आप सेम तौर पे कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ लें. आगे बढ़ने से पहले टाइटल डालिए, टूल्स ऑफ ओरेकल, टूल्स ऑफ ओरेकल. क्या पढ़ने जा रहे हैं समझिए. अब आप ये सीखने जा रहे हैं कि जब आप अपने सिस्टम पे ओरेकल इंस्टॉल करेंगे तो आपको क्या-क्या मिलेगा जब आप ओरेकल डालते हैं. तो गौर करिए, जब आप ओरेकल डालते हैं तो ओरेकल आपको चीजें देती है इंस्टॉलेशन के साथ. सबसे पहला, अगर आपने ध्यान दिया हो, अभी जो मैंने आपको ब्लैक कलर की विंडो खोल दिखाई थी उसमें ऊपर की तरफ लिखा हुआ था एसक्यूएल स्टार प्लस. नहीं दिया ध्यान, देखिए दिख रहा है ऊपर एसक्यूएल स्टार प्लस, ये ओरेकल का आईडीई है. क्या है आईडीई? अगर आप जावा जानते हो तो जैसे नेटबीन्स है, अगर आप सी जानते हो तो टर्बो सी या कोड ब्लॉक्स हैं, ऐसे ओरेकल का आईडी है. आप सब जानते होंगे आईडी वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें बैठकर हम कमांड्स लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं. तो ओरेकल में प्रोग्रामिंग तो होती नहीं है, आप डेटाबेस से ट्रैक, उसके लिए जो कमांड्स आप लिखते हैं दे आर रिटन ऑन दिस आईडी. अब क्योंकि आप बिल्कुल बिगनर हैं ओरेकल में, तो आपके लिए एक नया टर्म आया, बिना बात करे आगे बढ़ना बेवकूफी होगा, द वर्ड एसक्यूएल. मैं भी जब स्टूडेंट था मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन होता था, एसक्यूएल क्या है और ओरेकल क्या है, और एसक्यूएल और माई एसक्यूएल एक जैसे हैं तो फिर ओरेकल में एसक्यूएल कहां से आ गई है. ये बड़ा डाउट बिगनर्स के दिमाग में होता है. अच्छे से समझ के जाइएगा एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल स्टार प्लस क्या है, ओरेकल क्या है. सबसे पहले सुनिए, व्हाट इज एसक्यूएल. द वर्ड एसक्यूएल वॉज ओरिजिनली कॉल्ड एज सीक्वल, इसका ओरिजिनल नाम था.
तोड़ मरोड़ के काट पीट करके इसको किया गया, और इसका फुल फॉर्म था स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा ये एक लैंग्वेज है, बट गौर करिएगा ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये कमांड बेस्ड लैंग्वेज है। जैसे अगर आपको याद हो तो HTML भी लैंग्वेज है तो वो भी लैंग्वेज, बट वो एक मार्कअप बेस्ड लैंग्वेज है। ऐसे ही क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज है, कमांड बेस्ड लैंग्वेज। आपको लगेगा सर क्या होती है कमांड बेस्ड लैंग्वेज? कमांड बेस्ड लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनमें कामों को करने के पहले से फिक्स कमांड होते हैं, आप जो कमांड देंगे वैसा काम लैंग्वेज आपको करके दे देगी। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं आज के लेक्चर को ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये ओरेकल की भाषा में एक टेबल है। मैं आपसे बोलूंगा ये कैसे बनाते हैं, तो आपका जवाब होगा एसक्यूएल के कमांड क्रिएट टेबल से बनाते हैं। तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो दुनिया का हर, कंप्लीट करिए मेरी बात, हर डीबीएमएस सपोर्ट करेगा। जितने डीबीएमएस आप अपनी लाइफ देखेंगे उन सब तरीके चीज कॉमन होगी, दे ऑल आर गोइंग टू सपोर्ट एसक्यूएल। जैसे आप मुझे बताइए सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके, आस्की क्या है? एक स्टैंडर्ड तरीका है कैरेक्टर्स को इंटीजर में कन्वर्ट करने का। तो आस्की सिर्फ सी के पास है? नहीं, दुनिया की हर लैंग्वेज के पास, या तो आस्की और या तो यूनिकोड है, राइट? हर लैंग्वेज एक नंबर सिस्टम फॉलो करती है टू कन्वर्ट कैरेक्टर्स टू इंटीजर। बिल्कुल ऐसे हर डीबीएमएस एक कॉमन लैंग्वेज सपोर्ट करता है टू इंटरैक्ट विद डेटाबेसेस, एंड दैट कॉमन लैंग्वेज इज जस्ट कॉल्ड एज एसक्यूएल। लेकिन आप याद रखना, आप कभी एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप कभी एसक्यूएल पे काम नहीं कर सकते, आप काम हमेशा करेंगे एक पे। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ हम सी पढ़ते हैं, राइट, उसमें हम आस्की यूज करते हैं। आस्की इंस्टॉल कर सकते हैं क्या अलग से? नहीं कर सकते। आस्की को यूज करा जाता है विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज, एसक्यूएल को यूज करा जाता है विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस, और ये सारे के सारे अपने आप में वो डीबीएमएस हैं जो एसक्यूएल लैंग्वेज को करते हैं सपोर्ट। आज मान लीजिए मैं सचिन नाम का एक डीबीएमएस बनाता हूँ, मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं भी चाहता हूँ मैं भी अपना एक डीबीएमएस बनाकर लॉन्च करूँ, मैं बना सकता हूँ सचिन, बट सचिन डीबीएमएस को भी कंपलसरी होगा कि वो एसक्यूएल लैंग्वेज को सपोर्ट करे ही करे। तो आप ये मत बोलिएगा, ये मत सोचिएगा एसक्यूएल कुछ डिफरेंट है, एसक्यूएल एक कॉमन लैंग्वेज है। और एक बात याद रखिएगा, आप कौन सा डीबीएमएस पढ़ रहे हैं? ओरेकल। दुनिया में कोई ऐसा होगा जो एसक्यूएल सर्वर पढ़ रहा होगा? कोई ऐसा भी होगा जो DB2 पढ़ रहा होगा? कोई ऐसा भी होगा जो MySQL पढ़ रहा होगा? लेकिन आप सबके बीच में कॉमन ये है, जो कमांड आप यहाँ ओरेकल में चला रहे हैं दूसरा बंदा वही MySQL में चला रहा होगा, कोई तीसरा वही चला रहा होगा SQL सर्वर में। तो DBMS बदलता है, SQL नहीं बदलती है, सिर्फ इंटरफेस आपका हो जाता है चेंज। SQL भी वही है जो MySQL और ओरेकल के अंदर आपको मिलती है, दोनों में SQL आपको कॉमन तौर पे मिलेगी। हाँ, कुछ माइनर वेरिएशंस ओरेकल की और MySQL की SQL के अंदर होते हैं, बट मोटे तौर पे अगर सोचा जाए थिंग्स रिमेन सेम। जैसे आप मुझे बताइए टर्बो और GCC, मेनली दे बोथ आर सी कंपाइलर। जब मैं टर्बो से GCC पे शिफ्ट होता हूँ बिल्कुल बदल नहीं जाता है प्रोग्राम लिखने का तरीका, कुछ चीजें सिर्फ चेंज हो जाती हैं, जैसे कि हेडर फाइल्स कुछ मिलना बंद हो जाती हैं, लाइक प्रोटेज, डेटा टाइप्स की साइज चेंज हो जाती है। जो इंटीजर टर्बो में 2 बाइट का होता है वो GCC में हो जाता है 4 बाइट का। लेकिन सोचिए जो मेन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम है वो सेम रहता है, मेन बनाते हैं, प्रिंट एफ स्कैन एफ लिखते हैं, सब कुछ सेम होता है। सेम इज द थिंग विद दिस, एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज, बट यू कैन नॉट इंस्टॉल एसक्यूएल, यू ऑलवेज हैव टू इंस्टॉल सम डीबीएमएस, दैट डीबीएमएस विल प्रोवाइड यू सपोर्ट ऑफ एसक्यूएल। और ये सिर्फ बिजनेस का पार्ट है कि सर कुछ के नाम में एसक्यूएल आता है और कुछ के में नहीं आता है। नाम एसक्यूएल नहीं आने का मतलब ये नहीं, ये डीबीएमएस नहीं है, DB2 के नाम में SQL नहीं है, बट DB2 एक बहुत पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है IBM का। ओरेकल के नाम में SQL नहीं है, बट ओरेकल भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इफ समवन सेज व्हाट इज SQL, आप बोलोगे इट्स अ लैंग्वेज व्हिच वी कैन यूज ऑन अ DBMS टू इंटरैक्ट विद डेटाबेसेस। तो आप क्या सीखने आए हैं? SQL प्रैक्टिकल किस पे करेंगे? ओरेकल पे। सो व्हाट वी आर लर्निंग इज SQL, व्हाट वी विल बी प्रैक्टिसिंग इज ओरेकल, राइट? चलिए अब आता है अगला वर्ड। अगर एसक्यूएल एक लैंग्वेज है तो व्हाट इज एसक्यूएल स्टार प्लस, और इसका नाम एसक्यूएल स्टार प्लस क्यों है? आई टोल्ड यू एसक्यूएल स्टार प्लस ओरेकल का IDE है जिसमें आप एसक्यूएल के कमांड्स चलाएंगे। जहां तक स्टार प्लस की बात है वो इन्होंने इसलिए नाम दिया है क्योंकि मैंने कहा
ओरैकल ने अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स एसक्यूएल के अंदर और दिए हैं जो आपको माई एसक्यूएल के अंदर नहीं मिलेंगे, और पढ़ाते वक्त मैं आपको बताता चलूंगा कि ये कमांड पर्टिकुलर ओरैकल का है, ये कमांड एसक्यूएल का है। जो एसक्यूएल का है वो सब में चलेगा, जो ओरैकल का है वो चलेगा सिर्फ ओरैकल के अंदर। आया समझ में? हुआ क्लियर? एक कमांड आपको अभी दिखा देता हूं जो ओरैकल का अपना कमांड है, ठीक है? ओरैकल में याद रखिएगा अपन को लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने का मतलब ये है ओरैकल में अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके बाद आप उसके अंदर जाकर अपनी टेबल्स बना पाते हैं। ओरैकल आपको एक अकाउंट बाय डिफॉल्ट बनाकर देती है जिस यूजर का नाम सिस्टम होता है। ये मैं प्रैक्टिकल में आपको डिटेल बताऊंगा, अभी आपको एक छोटा सा कमांड चला के दिखाना है इसलिए ये बातें कर रहा हूं। तो मैंने कहा कनेक्ट सिस्टम, पासवर्ड दिया, अब इस समय मैं ओरैकल से कनेक्ट हो गया हूं। अब मुझे पता करना है मैं इस समय किस यूजर के थ्रू कनेक्ट हुआ हूं। आप जानते हैं माय यूजर नेम इज सिस्टम, मैं ओरैकल से पूछ सकता हूं। पूछने के लिए माय कमांड विल बी शो यूजर। जैसे ही मैं कहूंगा शो यूजर, ओरैकल मुझे जवाब दे देगी यूजर इज सिस्टम। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये कमांड MySQL में चलेगा, नहीं चलेगा। दिस कमांड विल गिव एरर बिकॉज दिस इज नॉट एन एसक्यूएल कमांड, दिस इज ओरैकल्स कमांड। पहचानेंगे कैसे, लिस्ट क्या होगी वो आगे बताऊंगा आपको, बट इस तरीके के कमांड्स आप लिखकर इस एसक्यूएल स्टार प्लस से करते हैं इंटरैक्ट। तो बैकग्राउंड में डेटाबेस है, आपके सामने DBMS है, और जो खुला हुआ है वो DBMS का IDE है जिसका नाम है एसक्यूएल स्टार प्लस। तो MySQL के आईडी का भी नाम यही होगा? नहीं, एसक्यूएल के आईडी का नाम कुछ और है, उसके आईडी का नाम है MySQL वर्कबेंच। आप उसके अंदर काम करते हुए यूज कर सकते हैं MySQL का आईडी। हर DBMS का अपना एक आईडी है, ओरैकल के आईडी का नाम है एसक्यूएल स्टार प्लस। लिखिए टूल्स ऑफ ओरैकल, लिखिए व्हेन वी इंस्टॉल ओरैकल, व्हेन वी इंस्टॉल ओरैकल वी गेट फोर सॉफ्टवेयर्स, वी गेट फोर सॉफ्टवेयर्स। नंबर वन एसक्यूएल स्टार प्लस, लिखें बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एसक्यूएल स्टार प्लस कॉमा वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एसक्यूएल। वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एसक्यूएल। लिखिए द वर्ड एसक्यूएल ब्रैकेट में लिखिए प्रीवियसली कॉल्ड सीक्वल, यहां से उतारिए ध्यान से, प्रीवियसली कॉल्ड सीक्वल इसका एक्चुअल नाम था, स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। एंड एज द नेम इंडिकेट्स इट इज यूज्ड फॉर इंटरैक्टिंग विद अ डेटाबेस। फुल स्टॉप। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से टू इंटरैक्ट विद एनी डेटाबेस कॉमा एवरी DBMS एवरी DBMS प्रोवाइड्स provides a language called as SQL, which is a command based language and using these commands we can perform various operations on databases.
वेरियस ऑपरेशंस ऑन डेटाबेसेस। पैरा चेंज, एसक्यूएल स्टार प्लस इज ओरेकल्स आईडीई यूजिंग विच वी कैन राइट एसक्यूएल कमांड्स, फुल स्टॉप। So, SQL Star Plus is used by programmers. It's used by programmers to run their SQL queries. To run their SQL queries in Oracle. In Oracle. सेकेंड, अब सेकेंड थर्ड अपने ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। सेकेंड है फॉर्म्स, थर्ड है रिपोर्ट, राइट। आप ये बताइए व्हाट इज दिस, ये कैलकुलेटर है, ये एक जीवाई प्रोग्राम है, और एकल ने भी जीवाई प्रोग्राम ना स्टार्ट था। ओरेकल को भी ऐसा लगा कि ओरेकल बैकएंड पे तो बहुत अच्छी है, फ्रंट एंड भी ओरेकल के अंदर डिजाइन होना चाहिए, तो उन्होंने जीवाई प्रोग्रामिंग का सपोर्ट ऑफर करना शुरू किया, और उस जीवाई प्रोग्रामिंग के सपोर्ट का नाम उन्होंने दिया फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। लेकिन मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी जीवाई लैंग्वेजेस अवेलेबल थी, .NET, जावा, PHP, जीवाई नहीं है, बट .NET जावा के आने के कारण ओरेकल का ये फॉर्म एंड रिपोर्ट वाला पार्ट स्पॉइल हो गया, इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। तो हम ओरेकल में कभी फ्रंट एंड नहीं बनाते हैं, हम ओरेकल में जब भी बनाते हैं बैक एंड बनाते हैं। तो लिखिए फॉर्म्स एंड रिपोर्ट, कॉमन टाइटल डाल लीजिए, लिखें फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, लिखें दीज आर ओरेकल टूल्स फॉर डेवलपिंग फ्रंट एंड, फॉर डेवलपिंग फ्रंट एंड इन ओरेकल, बट नॉट कॉमनली यूज्ड इन द इंडस्ट्री, दे आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन द इंडस्ट्री as languages like Java, .NET, Python provide much better GUI options, much better GUI options। अब आइए Oracle के एक और बहुत powerful part पे जो आपको पढ़ना है इस course में, PL SQL। ठीक है, सुनिए अब ध्यान से। PL stands for procedural, SQL तो आप जानते ही हैं stands for structured query language। अब लेक्चर आप समझ पा रहे हैं अगर आज का, तो बताइए SQL क्या है, राइट क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट होती है कि एक ही बात है दोनों में? क्वेरी लैंग्वेज में लूप, इफ एल्स, ये सब चीजें नहीं होती हैं। अगर आप चाहते हैं आप के साथ प्रोग्रामिंग का फीचर क्लब कर पाए, तो ये करने के लिए ओरेकल ने आपको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करी है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है PL SQL। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूं मुझे एक
के अंदर एक रो है, उसे 15 बार प्रिंट करना है। ओरेकल में याद रखिएगा, रो दिखाने के लिए, जैसे सी में आप प्रिंट एफ यूज करते हैं, ओरेकल में हम लोग सेलेक्ट यूज करते हैं। ओरेकल में नहीं बोलना चाहिए, एसक्यूएल में सेलेक्ट यूज करते हैं। ओके, बट सेलेक्ट जब आप लिखते हैं तो वो टेबल का डेटा एक बार दिखाता है, मैं चाहता हूं वो डेटा 10 बार दिखाए। तो इधर आई हैव टू राइट 10 टाइम्स दिस सेलेक्ट कमांड, और आई कैन राइट द सेलेक्ट कमांड इनसाइड अ लूप, बट लूप मुझे एसक्यूएल नहीं देती है, बिकॉज एसक्यूएल इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो लूप मुझे प्रोवाइड करती है PLSQL। इस प्रोसीजरल वर्ड इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसके अधिकतर फीचर्स मैच करते हैं विद सी लैंग्वेज। जैसे सी में इफ होता है, इसमें इफ होता है। सी में वाइल फॉर होते हैं, इसमें भी वाइल और लूप्स होते हैं, एरेज होते हैं, फंक्शंस होते हैं। वो सब कुछ आप डेवलप कर सकते हैं यूजिंग PLSQL, और ये हमें सीखना है क्योंकि मैंने आपसे कहा ओरेकल कॉम्पिटिटर्स में सबसे आगे है। किसी कॉम्पिटिटर PLSQL नहीं है, SQL सब देते हैं, PLSQL देने का सपोर्ट करती है सिर्फ ओरेकल, और ओरेकल इसको प्रोप्राइटरी कराया हुआ है। क्या मतलब बताओ प्रोप्राइटरी कराया हुआ है? प्रोप्राइटरी कराया मतलब कॉपीराइट ले लिया है ओरेकल ने इसका। अब दुनिया का कोई भी डीबीएस बनाने वाली कंपनी PLSQL नहीं बना सकती। तो अगर मुझे SQL पढ़ना है, मेरे पास चार चार ऑप्शंस हैं। आई कैन लर्न ओरेकल, आई कैन लर्न MySQL, SQL सर्वर, DB2। मुझे PLSQL पढ़नी है, आई हैव ओनली वन ऑप्शन, आई हैव टू लर्न ओरेकल। और ये ओरेकल की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है, तो इसके बगैर ओरेकल की नॉलेज आपकी अधूरी है। आप रेज्यूमे में लिखेंगे कि आपने ओरेकल पढ़ी है, और SQL के साथ साथ PL पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। BHEL नाम सुना है? क्या बात कर रहे हैं, भोपाल में रहते हैं और BHEL नाम नहीं जानते हैं? भेल, भेल का पूरा काम PLSQL पे होता है। इंटर्न कर रहा हो, इंटर्नशिप कर रहा हो भेल में, तो पता करिएगा उनका पूरा डेटाबेस ओरेकल पे है, और पूरी प्रोग्रामिंग इन्होंने PLSQL पे करी है। भेल में काम करने वाले एक इंजीनियर ने ओरेकल की बुक लिखी है, ओरेकल की एक बहुत पॉपुलर बुक है जो PHEL में काम करने वाले एक बंदे लिखी है, असनानी। अगर आप खरीदें तो ये बुक खरीदिएगा, इट्स अ गुड वन। इंडियन ऑथर है बहुत अच्छे से, और इन्होंने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करें क्योंकि ये बाकायदा अपनी इंडस्ट्री में से यूज करते हैं। तो ये बिलोंग्स टू BHEL, भोपाल के ऑथर हैं ये असनानी, और इन्होंने ओरेकल की बुक निकाली है, अभी निकाली है, 2-3 साल पहले, कुछ साल पहले ही। तो ये BHEL के अंदर एग्जॉस्टिव यूज होती है PLSQL, राइट? और अच्छी बात ये है PLSQL की भी प्रोग्रामिंग आप SQL स्टार पे करेंगे, SQL में नहीं करेंगे, SQL तो एक लैंग्वेज है। ये क्या है ये बताओ, ये ID है ना, तो प्रोग्रामिंग ID में तो होती है, तो PLSQL की भी ID SQL स्टार प्लस है। लिखें, द वर्ड PLSQL स्टैंड फॉर प्रोसीजरल SQL, प्रोसीजरल SQL, एंड एज द नेम इंडिकेट्स, एंड एज द नेम इंडिकेट्स, एंड एज द नेम इंडिकेट्स, इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग राइटिंग प्रोग्राम्स इन ओरेकल। फॉर एग्जाम्पल, PLSQL प्रोवाइड्स अस कंट्रोल स्टेटमेंट्स लाइक इफ कॉमा, इटरेटिव स्टेटमेंट्स लाइक वाइल एंड फॉर, एज वेल एज एरेज एंड फंक्शंस। फुल स्टॉप। ऑल दीज टॉपिक्स आर इनहेरिटेड और इंस्पायर्ड बाय सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सी से ही क्यों इंस्पायर्ड है? कैन यू गेस? ओरेकल खुद सी में लिखी गई है। ये जो ओरेकल सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल स्टार चीजें, इनका बैकएंड सी है, सी में बनाए गए कोड्स हैं। तो अंदर सी काम कर रही होती है जब आप ओरेकल के अंदर टेबल्स बनाते हैं और कमांड्स फायर करते हैं, एक्चुअल में सी कर रही है काम। तो आप अगर सी वाले प्रोजेक्ट में थे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कैसे काम हो रहा होगा। आपने फाइल बनाई थी, ओरेकल भी फाइल्स बनाती है, तो ओरेकल इंटरनली सी की फाइल हैंडलिंग यूज करती है टेबल्स को स्टोर करने के लिए ना, आपके लिए नहीं करती, इंटरनली करती है।
सी में बनी है, इसका मतलब थोड़ी है कि पॉइंटर दे गया। कैसी सिक्योरिटी? सबसे स्ट्रांग है ये। सिक्योरिटी भी कब होती है सी की? जब सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, तो सी को लो लेवल कर रही है, हाई लेवल पे इसने अपनी लैंग्वेज यूज करी हुई है। क्लियर? ये था आपका ओरेकल का पहला इंट्रोडक्शन। अब कल आपको पढ़ाऊंगा एसक्यूएल के कमांड्स, उन कमांड्स को लिखते हैं और डेटा टाइप्स, और कल आपका फर्स्ट इंटरेक्शन होगा ओरेकल के आईडी से। ठीक है, रुक जाइए, मैं सर को भेज रहा हूँ, टाइमिंग सेट कर लें आप।